नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं सीन भारत। आइए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अयोध्या के लिए रवाना मोहन कैबिनेट, अयोध्या जाने के लिए विशेष विमान की व्यवस्था। अयोध्या में रामलला के करेंगे दर्शन, शाम 7 बजे भोपाल के लिए आएंगे वापस। व्यापारियों ने खोला मोर्चा, मार्ग को वन वे घोषित करने का विरोध। विधायक मालिनी गौड़ के कार्यालय का घेराव, टू व्हीलर के लिए आवाजाही चालू करने की मांग। एक्शन मोड में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, गंदगी देख भड़के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, बोले सारी गंदगी सीएमओ के कक्ष में रखो, अधिकारी को दिए ये अल्टीमेटम। करेली को 13 करोड़ की सौगात, विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया लोकार्पण, राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी रहे मौजूद। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, इससे पहले जान लेते हैं कौन सी भी बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर आ रही है भोपाल से, जहां अयोध्या के लिए रवाना हो गया है कैबिनेट मोहन कैबिनेट। अयोध्या जाने के लिए विशेष विमान की व्यवस्था की गई। अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे, शाम 7 बजे भोपाल से वापस आएंगे। दूसरी खबर है इंदौर से, जहां व्यापारियों ने खोला मोर्चा, मार्ग को वन वे घोषित करने का विरोध। विधायक मालिनी गौड़ के कार्यालय का घेराव किया गया, टू व्हीलर के लिए आवाजाही चालू करने की मांग की गई। दूसरी खबर है रायसेन से, जहां एक्शन मोड में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, गंदगी देख भड़के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, बोले सारी गंदगी सीएमओ के कक्ष में रखो, अधिकारी को दिया ये अल्टीमेटम। चौथी और आखिरी खबर आपको बता दें, करेली से है, जहां करेली को 13 करोड़ की सौगात, विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया लोकार्पण, राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी भी मौजूद रहे। सबसे पहली खबर आ रही है भोपाल से, जहां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद सभी लोग एक बार भगवान रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाना चाहते हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या में श्री रामलला का दर्शन करने, मध्य प्रदेश सरकार की पूरी कैबिनेट अयोध्या श्री रामलला के दर्शन के लिए जा रही है। सरकार द्वारा विशेष विमान की व्यवस्था की गई, एयर इंडिया के विशेष विमान से मंत्री रामलला के दर्शन के लिए गए और शाम 7 बजे सभी को भोपाल पुनः वापसी होगी। अयोध्या रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक की, जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भोपाल से रंजन भगत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, मोहन कैबिनेट रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या गई है, इस पर क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए 22 तारीख को जिस तरीके से भगवान रामलला की जो है प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके बाद से जो है भक्तों का तांता लगा हुआ था। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि आप जाइए और भगवान रामलला के दर्शन कीजिए, तो सभी प्रदेशों से लगभग लोग जा रहे थे और 5 लाख से अधिक की संख्या में हर रोज वहाँ पे लोग दर्शन कर रहे थे। तो मोहन कैबिनेट ने भी फैसला किया था उस समय की हम भी जल्द ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो है अपने सभी मंत्रिमंडलों के साथ जो है अयोध्या जाएंगे और भगवान रामलला के दर्शन करेंगे। तो इसी कड़ी में जो है आज सभी मंत्रिमंडलों के साथ हुए गए और जितने भी मध्य प्रदेश के मंत्री हैं उनका नेतृत्व करते हुए मोहन यादव जो है आज सुबह आते हैं और कैबिनेट की पहले बैठक होती है उनसे पहले, और मोहन यादव कहते हैं कि ये जो पूरा कैबिनेट है वो भगवान रामलला को समर्पित है आज का पूरा कैबिनेट। तो पूरी कैबिनेट की मीटिंग होने के बाद एक बस की जाती है, बस में मध्य प्रदेश सरकार के जितने भी मंत्री हैं सबको बिठाया जाता है और उसके बाद जो है वो सीधा जो है राजा भोज एयरपोर्ट आते हैं, जहाँ पर मालती राय रहती है, उनके स्वागत के लिए मालती राय जो है उनका स्वागत करती है फूलों से, माला से, चंदन लगा करके, और उसके बाद सभी मंत्री जो है एक एक करके विमान पर बैठते हैं और भगवान रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं। जी जी भगत, जब सीएम कैबिनेट रवाना हुआ रामलला के दर्शन के लिए, तब किस तरह का माहौल देखने को मिला? देखिए काफी ज्यादा उमंग था लोगों के अंदर भी, लोग की देखने आ रहे थे कि किस तरीके से जो है सभी मंत्री जो है वो आज उनके विमान के द्वारा जो है आज अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार भी है जो लगातार प्रयास कर रही है थे माध्यम से जो मध्य प्रदेश में जनता रहती है उनको भगवान रामलला के दर्शन कराया जाए, इसको लेकर के पूरी तैयारी की जा रही है
और साथ ही साथ जो है विशेष विमान भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने समझौता भी जल्द मूल देखने को मिल सकता है, जिसमें मोदी यादव ने प्रस्ताव रखा है कि सरयू नदी के तट पर जो है भगवान राम लला के दर्शन के लिए जो भी मध्य प्रदेश के वासी जाएंगे एक मध्य प्रदेश भवन वहां पर बनाया जाए, ताकि जो मध्य प्रदेश की जनता है अगर वो अयोध्या जाते हैं तो उनको किसी प्रकार की जो है असुविधा न देखने को मिले, इसके लेकर के जो है पूरी तैयारी की जा रही है। जल्द से जल्द जो है वहां पर मध्य प्रदेश भवन बनाने की बात कही जा रही है, तो जनता में भी काफी उत्साह है भगवान राम लला के दर्शन के लिए। जी भगत भगत, सीएम का क्या कुछ कहना है इस यात्रा को लेकर? देखिए सीएम ने काफी खुशी जताई है, उन्होंने कहा कि जब से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई उसी समय से हम लोग सोच रहे थे कि जल्द से जल्द वहां पर जाए और पूरी कैबिनेट के साथ हम जाए, ताकि भगवान राम से जो है हम प्रदेश की खुशहाली के लिए अपनी मदद कर सके। इसके बाद जो है राम यादव के साथ साथ जो है वहाँ कई मंत्री भी यही चाहते थे कि जल्द से जल्द जो है भगवान राम लला के दर्शन करें, तो वो समय आ ही गया और आज जो है सभी कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री रवाना हुए हैं। कैबिनेट मंत्रियों का क्या कुछ कहना है इस पूरी यात्रा को लेकर? कैबिनेट मंत्री भी बहुत खुश थे, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था कि सभी कैबिनेट मंत्री एक साथ मिलकर जा रहे थे, तो सबसे पहले तो उनके लिए व्यवस्था करना था, उसके बाद सुरक्षा को लेकर भी पूरी तैयारी की गई थी कि किस तरीके से ये कार्य होगा। कैबिनेट के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि उनकी जो पत्नियां हैं वो भी गए, उनके परिवार के जो लोग हैं वो भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं, चाहे वो मोहन यादव जी की पत्नी हो और साथ ही साथ जितने लोग हैं कैबिनेट मंत्री में उनके जो परिवार के लोग हैं सब साथ गए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है किसी प्रदेश के सभी मंत्रिमंडल को एक साथ भगवान राम लला के दर्शन कराना, तो इसको लेकर के जो है काफी लोग उत्साहित थे और आज वो भगवान राम लला का दर्शन करके आज पुनः एक बार जो है शाम को लगभग 7 बजे के आसपास वो वापसी करेंगे। रंजन, आपसे पूछना चाहूंगी कि सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई? सुरक्षा को लेकर के जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ भोपाल के जो कलेक्टर है कुमार कुमार सिंह, वो खुद भी आज एयरपोर्ट आए थे, उन्होंने मतलब जितने भी मंत्री है उनके आने से पहले जो है काफी सारे जांच किए और अपने अधिकारियों से बातचीत की, किसी भी तरीके की जो है घटना मिलती है तो उसको जल्द से जल्द सुधार करने के लिए कहा गया। फिलहाल सुरक्षा को लेकर के तो पूरे पुख्ते इंतजाम किए गए थे, मध्य प्रदेश पुलिस जो है वो लगातार हर जगह पर तैनात थी और साथ ही साथ सीएम की जो सिक्योरिटी होती है उसको लेकर भी पूरी तैयारी की गई थी, जगह जगह पर सारी चीज चेक की जा रही थी और एयरपोर्ट में तो वैसे भी सारी चीजें चेक करके अंदर जाने देते हैं, तो पूरी सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जी रंजन, यात्रा को लेकर कांग्रेस की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए यात्रा को लेकर कांग्रेस की तो अगर बात करूं, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ हमारे पक्ष वाले जो है जब हमने उनसे सवाल किया कि सर जिस तरीके से आप लोग यात्रा के लिए जाए हैं क्या आप विपक्ष को भी ये सलाह देंगे कि वो यात्रा के लिए भगवान राम लला के दर्शन के लिए जाए, तो कृषि मंत्री है उन्होंने हमें बताया कि हम तो 22 जनवरी को भी उनको न्योता दिए थे कि क्योंकि राम लला किसी एक पार्टी के नहीं है, तो राम लला सबके हैं, तो उन्होंने ये बात कही कि ये भी जाना चाहिए भगवान राम, उनको भी बुद्धि दे ताकि जो है हमें सबके लिए तैयारी करके रखा है, इसलिए उन्होंने ये बात कही कि भगवान राम लला सबके हैं तो सबको एक बार जाकर के भगवान राम लला के दर्शन करने चाहिए। जी रंजन, एमपी सरकार की तरफ से अयोध्या में एमपी के भक्तों के लिए क्या किसी प्रकार के विकास कार्यों की पहल की जाना संभव है? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश सरकार जो है अपने जनता के लिए लगातार प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से जो है जितने लोकसभा भी फिलहाल चुनाव नजदीक है तो उसको लेकर भी तैयारी चल रही है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने शायद एक फैसला लिया है जिसके तहत जो है जितने भी लोकसभा सीटें हैं उस 10-10 हजार जो लोग हैं उनको भगवान राम लला के दर्शन कराए जाएंगे और ये जल्द से जल्द प्रयास किया जा रहा है कि जितने से जितने अधिक लोग हो सकते हैं मध्य प्रदेश से अयोध्या के भगवान राम लला के दर्शन के लिए जा सके। जी रंजन, तो एक खबर थी भोपाल से, जहां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद सभी लोग एक बार भगवान राम लला के दर्शन के लिए अयोध्या जाना चाहते हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन करेंगे
और मध्य प्रदेश सरकार की पूरी कैबिनेट अयोध्या श्री राम लला के दर्शन के लिए रवाना हो चुकी है। दूसरी खबर आपको बता दें, इंदौर से आ रही है, जहां हाल ही में पिछले दिनों प्रशासन द्वारा व्यस्ततम मार्ग जवाहर मार्ग और एमजी रोड को वन वे घोषित किया गया है। अब इसको लेकर क्षेत्र के व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। शहर के जवाहर मार्ग पर टू व्हीलर के लिए दोनों तरफ से आवाजाही चालू करने, चालानी कार्रवाई रोकने सहित विभिन्न मांगों को लेकर जवाहर मार्ग व्यापारी एसोसिएशन के व्यापारियों ने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के विधायक मालिनी गौड के कार्यालय का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि पूरा व्यापारिक क्षेत्र जवाहर मार्ग से जुड़ा हुआ है और इस मार्ग को वन वे घोषित करने और दो पहिया वाहनों की आवाजाही रोकने से उनका व्यापार प्रभावित हुआ है। जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इंदौर से अशरफ मंसूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, सड़क मार्ग के वन वे होने से व्यापारियों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? प्रशासन द्वारा जवाहर मार्ग और एमजी रोड को वन वे घोषित किया गया था। इसके बाद से ही व्यापारियों द्वारा लगातार ये मांग की जा रही कि दोनों ही मुख्य मार्ग, खासकर जवाहर मार्ग के व्यापारियों द्वारा पिछले काफी समय से मांग की जा रही कि वो जवाहर मार्ग पर दोनों तरफ से जो है दोपहिया वाहनों की आवाजाही को चालू किया जाए। इसी को लेकर जो है आज बड़ी संख्या में व्यापारियों ने मालिनी गौड़ के घर का घेराव कर दिया और उन व्यापारियों ने मालिनी गौड़ से जो क्षेत्र विधायक भी विधानसभा 4 से उनके यही मांग की कि जवाहर मार्ग के जो दस्ता है वन वे घोषित किया गया उस पर जो है दो पहिया वाहन को दोनों तरफ से आवाजाही चालू की जाए। व्यापारियों का तर्क है कि वन वे घोषित करने के बाद से ही उनके व्यापार में काफी असर पड़ रहा है और करीबन 30 से 40% जो है उनके व्यापार में कमी आई है। इसको लेकर जो व्यापारियों में खासी नाराजगी, साथ ही न केवल जवाहर मार्ग के व्यापारी बल्कि व्यापारियों का यह भी कहना है कि आसपास के जितने भी व्यापारिक संगठन है उनको भी साथ में लेकर जो है आगामी दिनों में इस पूरे मामले को लेकर जो है बड़े अधिकारियों के साथ ही जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि उनसे जो मुलाकात की जाएगी। रीतिका जी, अशरफ, रास्ते के वन वे होने से व्यापारियों को क्या कुछ उनके व्यापार में असर पड़ रहा है, क्या आप बता सकते हैं? रीतिका, व्यापारियों का यही कहना है कि वन वे घोषित करने के बाद जो है जो भी ग्राहक होते हैं या जो भी दुकान पहुंचने वाले कस्टमर होते हैं उनको आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसका जो है सीधा असर जो उनके व्यापार पर भी पड़ा था कि व्यापारी पर ये भी तर्क है कि कई बार जो है व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठान पर आने में भी परेशानी हो रही, उनको जो है बड़ी दूर जो कि वन वे घोषित करने के बाद जो है आने नहीं दिया जा रहा, साथ ही पुलिस और प्रशासन द्वारा जो है चालानी कार्रवाई भी की जा रही है, इसको लेकर भी व्यापारियों में नाराजगी है और लगातार व्यापारी इस मामले को उठा रहे हैं कि वन वे घोषित प्रशासन द्वारा किया गया है, उनको वन वे घोषित करने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इस पूरे मार्ग पर जिस तरह से दोनों तरफ से दोपहिया वाहनों की आवाजाही होगी तो उससे न केवल व्यापारी बल्कि क्षेत्र की जनता का भी राहत मिलेगी। इसी को लेकर व्यापारियों पर मांग की जा रही है कि शासन प्रशासन जो है वन वे घोषित करने के बाद इस पूरे मार्ग को पूरे मार्ग पर दोनों तरफ से दोपहिया वाहन चलाने की अनुमति दे। जी अशरफ, मालिनी गौड़ के द्वारा कोई आश्वासन दिया गया? जैसा कि अगर जवाहर मार्ग और उसके आसपास का पूरा क्षेत्र देखा जाए तो पूरा व्यापारिक क्षेत्र है और विधानसभा 4 का ज्यादातर हिस्सा जो है व्यापारिक क्षेत्र में आता है। ऐसे में मालिनी गौड़ जो है लगातार यहाँ पे चुनाव जीतती आ रही है और व्यापारियों का समर्थन भी मालिनी गौड़ को ही मिलता रहा। व्यापारियों ने यहाँ विरोध प्रदर्शन जरूर किया लेकिन उनका यही कहना है कि वे बीजेपी के साथ है और मालिनी गौड़ के साथ है और मालिनी गौड़ के लिए ही वे जो है आज मालिनी गौड़ से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उनका यही कहना है कि पिछले काफी समय से मालिनी गौड़ ने क्षेत्र के व्यापारियों की जो भी समस्याएं थे उनका समाधान किया है। ऐसे में कहीं ना कहीं व्यापारियों ने अपना पूरा भरोसा है मालिनी गौड़ पर भी जताया है। उनका यही कहना है कि मालिनी गौड़ के सामने अगर उनकी समस्या जाएगी तो उसका समाधान जरूर निकलेगा। इसी को लेकर आज बड़ी संख्या में व्यापारियों ने मालिनी गौड़ से मुलाकात भी करी और अपनी जो भी समस्याएं थी उन समस्याओं को उनके सामने रखा है। और दूसरी तरफ मालिनी गौड़ की अगर बात करें तो उन्होंने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले में व्यापारियों के हित में जो भी होगा उसको लेकर जो उच्च अधिकारी उनसे चर्चा करेगी। जी अशरफ, व्यापारियों ने यह भी कहा है कि जवाहर मार्ग को वन वे घोषित करने का निर्णय किया गया तो व्यापारियों से कोई चर्चा नहीं की गई, इस पर आपका क्या कुछ कहना है अशरफ? पिछले 2 महीने से देखा है कि वन वे घोषित करने को लेकर तमाम
जनप्रतिनिधि के साथ ही व्यापारियों के साथ ही प्रशासन के अधिकारियों द्वारा बातचीत करने के बाद ही फैसला लिया गया था। जिस तरह से प्रशासन का ये कहना है कि शहर के दो प्रमुख व्यस्तम मार्ग है, एक तो जवाहर मार्ग और एनजी रोड, दोनों को ही यातायात सुगम बनाने की दृष्टि से एक बड़ा डिसीजन लिया था और दोनों ही मुख्य मार्गो को जो वन वे घोषित कर दिया गया था। इसके बाद से लगातार व्यापारियों की यही मांग है कि वन वे घोषित करने के बाद जो है इन मार्गों पर जो है दो पहिया वाहन की दोनों तरफ से आवाजाही को शुरू किया जाए। इसी मांग को बढ़ाते हुए जो आज उनके द्वारा माननीय गुरु के साथ भी मुलाकात कर यही मांग रखी गई थी। मार्गों को वन वे करने के बाद अशरफ कैसी क्या व्यवस्था देखी जा रही है, यातायात में कोई सुधार हुआ है या नहीं हुआ है? बिल्कुल ऋतिका, जैसा कि शासन प्रशासन की मंशा यही थी कि ये दोनों ही मुख्य मार्ग और यहाँ पर काफी यातायात की जो है व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए पिछले काफी समय से प्रयास भी किए जा रहे थे और जिस तरह से वन वे घोषित किया गया उसके बाद कहीं ना कहीं इन दोनों ही मुख्य मार्गों पर जो है यातायात तो सुगम बना है, लेकिन आसपास की जो भी छोटी छोटी गलियां हैं उनमें वहां पर जो है थोड़ी अव्यवस्थाएं फैली है, उसको लेकर भी लगातार व्यापारी कह रहे हैं कि दोनों ही मुख्य मार्गों को वन वे घोषित करने के बाद आसपास की जो भी छोटी छोटी गलियां हैं वहां पर अव्यवस्थाएं बिगड़ रही है, इसको भी दुरुस्त करने की मांग यहाँ पर व्यापारियों द्वारा की गई है। अशरफ, ये व्यापारियों का प्रदर्शन कितनी देर तक चलता रहा? व्यापारी अपने अपने प्रतिष्ठान से सबसे पहले जवाहर मार्ग के नरसिंह बाजार पर इकट्ठा हुए थे और वहां से वे सीधे लोधीपुरा स्थित क्षेत्रीय विधायक माननीय गौर के पहुंचे थे। तकरीबन आधे से एक घंटा जो है वहां पर व्यापारियों ने क्षेत्रीय विधायक माननीय गौर से चर्चा करी और अपनी जो भी समस्याएं थी उनको जो है विधायक माननीय गौर के समक्ष रखा है। व्यापारियों का यही तर्क है कि जिस तरह से व्यापारियों की पिछले काफी समय से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाया कि वन वे घोषित करने से पहले उनको विश्वास में नहीं लिया गया और लगातार जिस तरह से व्यापारियों ने अपनी मांगों को लेकर पिछले काफी समय से जो मांगे उठा रहे हैं उन मांगों पर किसी भी तरह से गौर नहीं किया जा रहा है, ऐसा व्यापारियों का आरोप है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से व्यापारियों ने ये मांग करी थी कि वन वे घोषित कर दिया जाए लेकिन यहाँ पर जो दो पहिया वाहनों की आवाजाही को सुचारू रूप से जारी रखे, इसके इन मांगों को जो कहना है कि व्यापारियों की जो मांग थी उसको दरकिनार करने का आरोप भी यहाँ पर व्यापारी लगाते हुए नजर आए। तो कहना की जिस तरह से व्यापारियों ने तकरीबन एक घंटे तक जो है क्षेत्रीय विधायक माननीय गौर से चर्चा की तो उसके बाद जो है व्यापारियों ने विश्वास जताया कि इसके कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। ऋतिका, अशोक, व्यापारियों के अलावा क्या आम जनता को भी वन वे से परेशानी हो रही है? जैसा कि हमारे का मुख्य उद्देश्य यही था कि दोनों ही जो प्रमुख मार्ग है माफी वहाँ पर जो काफी ट्रैफिक रहता है और ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए कहना की आम जनता को राहत देने की कोशिश करने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा एक नया प्रयास यहाँ पर इंदौर में शुरू किया गया था कि दोनों ही मुख्य मार्गो को वन वे घोषित कर दिया गया था। साथ ही जिस तरह से यातायात को सुगम बनाने की दृष्टि से फैसला लिया गया था कहना की व्यापारी के साथ ही जनता को इस यातायात की गलती से फायदा तो हुआ है, लेकिन व्यापारियों का यही कहना है कि इस सुगमता के साथ जो है कहीं ना कहीं उनका व्यापार प्रभावित हुआ और व्यापारिक दृष्टि से यह मांग की जा रही है कि दो पहिया वाहनों को यहाँ पर आवाजाही की जो है कहीं ना कहीं परमिशन दिया जाए। वहीं आम जनता की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आम जनता को भी थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली क्योंकि दोनों ही मुख्य मार्ग यहाँ पर काफी जो है ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित होती थी। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से फैसला लिया गया उसके बाद आम जनता को भी कहीं ना कहीं इस तरह मामले में राहत देखने को मिली होती है। जी अशरफ, तो ये खबर थी इंदौर से जहां हाल ही में पिछले दिनों प्रशासन द्वारा व्यस्ततम मार्गों जवाहर मार्ग और एमजी रोड को वन वे घोषित किया गया है। इसको लेकर क्षेत्र के व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। शहर के जवाहर मार्ग पर टू व्हीलर के लिए दोनों तरफ से आवाजाही चालू करने, चालानी कार्रवाई रोकने सहित विभिन्न मांगों को लेकर जवाहर मार्ग व्यापारी एसोसिएशन के व्यापारियों ने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के विधायक मालिनी गौड के कार्यालय का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया। तीसरी खबर आ रही है रायसेन से, जहां स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल अपने विधानसभा में लगातार एक्शन मोड में दिख रहे हैं। मंत्री कभी अस्पताल तो कभी रेत डंपर करते दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान वो नगर पंचायत क्षेत्र का निरीक्षण करते दिखे। बरेली में यात्री प्रतीक्षालय में बज बजाती गंदगी देख करके राज्य मंत्री भड़क उठे। मंत्री पटेल ने गुस्से में कहा कि यह पूरी गंदगी इकट्ठी करवाओ और सीएमओ के कक्ष में एक हफ्ते के लिए रखवाओ। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रायसेन से राशिद मीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
राजेश, मंत्री की नाराजगी के बाद प्रशासन ने सफाई को लेकर क्या कुछ एक्शन लिया है? ठीक है, बड़ा राजगंज जिले में है, जैसा कि बरेली पदयात्रा विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक जो है नरेंद्र शिवाजी पटेल, और लगातार वो अपने विधानसभा क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर रहा है। जैसा कि हमें एशियन भारत न्यूज ने भी अभी दिखाया था कि अस्पतालों का उन्होंने औचक निरीक्षण किया था, उसके बाद खारिज में माफियाओं को लेकर उन्होंने अवैध रेप को लेकर उन्होंने सामने खुद कार्रवाई की थी, और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह कि बस स्टैंड बरेली पहुंचे हैं अचानक और औचक निरीक्षण किया मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने, और वहां पर जो गंदगी देखने को मिली इससे वो नाराज हो गए, और नतीजा ये निकला कि उनका साफ तौर पर यही कहना था कि सीएमओ के पास जो कचरा उठाओ और उसके सीएमओ ऑफिस में आके आओ। लेकिन ऋतु का मैं यहाँ पर बता दूं, काफी गंभीर नाजुक मामले ऐसे देखने को मिल रहे हैं, लगातार औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं अपने विधानसभा में नरेंद्र शिवाजी पटेल द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कोई वहां का अमला खेत नहीं रहा है। मतलब मैं ये मनोकामनी लगता है लगातार देखने को मिल रही है और उनको फटकार भी मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि या तो मंत्री जी कोई मजाक कर रहा है या फिर अधिकारी उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि हरिशंकर वर्मा जो है सीएमओ है बरेली, और इनसे जो है नाराजगी थी उनको, और उनका साफ तौर पर एशियन भारत न्यूज से यही कहना है हरिशंकर वर्मा सीएमओ का कि मैं उस दिन मौजूद नहीं था, मैं चेकअप के लिए एनआरसी गया हुआ था, अगर मैं होता तो शायद ये सामने देखने को नहीं मिलता। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर एशियन भारत न्यूज से यही कहा है कि हमसे चूक तो हुई है, गलती तो हुई है और आगे चल के सुधार लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं रितिका बता दूं कि लगातार दौरे और लगातार औचक निरीक्षण, अस्पताल कभी खनिज विभाग कभी बस स्टैंड का दौरा और अनियमितता है साफ सफाई, और लगातार मैं ये भी बता दूं अपने अपने दर्शकों को कि लगातार साफ सफाई अभियान को लेकर स्वच्छ भारत को लेकर पूरे देश में अभियान चल रहा है, लेकिन बावजूद उसके और ऐसी ऐसी जो बातें जो सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं लगता है कहीं ना कहीं संबंधित अधिकारी जो है लापरवाह बने हुए हैं और अधिकारी संबंधित मंत्री को अपना जो है ठहरा दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है रितिका की हरिशंकर वर्मा जो सीएमओ है उनमें आप पर यही कहना है कि आगे से ध्यान रखा जाएगा, इस तरीके से गलती नहीं होगी। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि सबसे बड़ा जो मामला सामने देखने को मिला है कि जो उन्होंने बस स्टैंड पर अव्यवस्था और गंदगी को लेकर जो नरेंद्र शिवाजी पटेल पहुंचे थे, सबसे बड़ी बात मैं ये भी बता दूंगा दर्शकों को कि उनका गिरे क्षेत्र है, गिरे नगर है बरेली, यहाँ पर इतनी गंदगी अंबार लगा हुआ था और सीएमओ को धक्का लगी है वहां पर। लेकिन एक बार तो दिलचस्प देखने को मिली रही थी का, जो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि उनको फोन पर बात करवाई जा रही थी किसी कर्मचारी द्वारा या किसी अधिकारी द्वारा नगर पालिका बरेली के, लेकिन ऐसे में नरेंद्र शिवाजी पटेल जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो उत्तेजित हो गए और सीएमओ को फोन लगाने के बजाय उन्होंने ये कहा कि सीएमओ से फोन लगाओ, तो मतलब कहीं ना कहीं उनकी जुबान भी फिसल गई, कुछ इतना गुस्से में थे वो इतना उत्तेजित हो गए कि उनकी जुबान फिसल गई और ये भी नहीं समझ पाए कि मैं सीएमओ नगरीय प्रशासन विभाग का अधिकारी होता चीफ मिनिस्टर ऑफिसर और सीएमएचओ जिला चिकित्सा अधिकारी होता है, वो अभी जल्दी जल्दी में इतना भी भूल गए कि हम सीएमएचओ को बुलवा फोन करा के बुलवा रहे हैं या सीएमओ को बुला रहा है। ये बड़ी दिलचस्प बात थी रितिका। राशिद, जैसा कि आपने कहा था कि काफी सारी अनियमितताएं देखी जा रही है, इसकी जानकारी मंत्री को है? ये सवाल आपने कहा था कि काफी सारी अनियमितताएं देखी जा रही, निरीक्षण के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, क्या इसकी जानकारी मंत्री को है? नहीं, ये यही कहना चाह रहा हूँ कि फोन यही खड़ा हो रहा है कि एक तरफ लगातार अपने ही क्षेत्र में मंत्री के दौरे कर रहा है क्योंकि वो विधायक भी है, उसके बावजूद कोई भी प्रशासनिक ढंग का चेत नहीं था, कोई भी एक्शन या कोई भी मतलब समझ में नहीं अधिकारी से अपने काम करे, सभी विभागों के लोगों का संज्ञान में यह बात है कि सभी भी हो सकता है निरीक्षण क्षेत्रीय विधायक और मंत्री का हो सकता है, लेकिन बावजूद उसके लगातार सरकार है विभाग को अरे दिन लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी एक्शन विभाग के अधिकारी नहीं लग रहा है, उससे यही साफ होता है या तो लापरवाह कहीं ना कहीं अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं या फिर मंत्री की बात को ध्यान देने में कोई भी दलील उनकी विधानसभा जो दलील है उसमें कोई भी अधिकारी उनकी बात पर जिम्मेदारी से नहीं लेना चाह रहा है। आपने बात करी मंत्री से? जी, एक और संबंध में बात करने की कोशिश करें, लगातार उनका जो है फोन बैठ जा रहा है तो संबंध में कोई बात स्वास्थ्य मंत्री से नहीं हो पा रही है, लेकिन लगातार एशियन भारत से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है कि आपको लगातार दौरे हो रहे हैं, आप बेहतर व्यवस्था है निरीक्षण कर रहा है, अस्पताल के बारे भी कर रहा है, आप घर में मिल रही है लापरवाह अधिकारियों को आपको फटकर भी लगना पड़ रही है, इतना ही नहीं रितिका
कि वंश से लगातार धक्का लगना है, लगातार जो चेता है अपने नगर स्वराज्य पैनल अपने क्षेत्र में अधिकारियों को, बाबा जी उसके कुछ भी ऐसी भगवान तक दूर तक नहीं रह रही है रितिका जी। राशिद, इस मामले में सीएमओ को लेकर क्या किसी प्रकार की जांच या कार्रवाई का विषय बन रहा है? मैं आप यहाँ पर बरेली सीएमओ अभिशंकर वर्मा जो सीएमओ है बरेली से, उनका तात्पर्य यही कहना है, उनकी जो है एशिया पर की बात भी हुई है, उनका तात्पर्य पर यही कहना है कि ऐसा कोई नोटिस तो नहीं जाए, लेकिन अगर थकता लगी है, लेकिन मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, तब तो ये बात के बाद हुआ था, अगर मैं होता असल में एक बात और कही गई थी हमारे से, रविवार का दिन था जो उनका मंत्रिमंडल तो फैसला नहीं था हुआ, ऐसे टाइम पर जो है हाफ टाइम पर जो है कर्मचारी जो काम करते हैं उसमें अगर टाइम होता है, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि मंत्री का लगातार मंत्री अपने में आएगा तो किसी अधिकारी किसी पदाधिकारी को बताते आएगा कि मैं दौरा कर रहा होता है, निष्ठा करेंगे आप अपनी व्यवस्था सुधार लीजिए, लेकिन अगर दोबारा ये बता दें जो सच इतना था कि वो खुद भूल रहे हैं विधानसभा में कि मैं सीएमओ की जगह में सीएमओ कर दिया, लेकिन वो भूल गए थे कि मीडिया भी उसको कवरेज कर रही है, तो बड़ा दिलचस्प जो है पायल गांधी रह गया बताना भूल था कि एक पत्रकार ने जो मुद्दा उठाया था जो है अभी नई की जो है पाकिस्तान पर गंदगी और लापरवाही का जो है ऐलान है बदलू आ रही है गंदगी है आप पता नियंत्रण नहीं हो पाती है, उसको लेकर किसी मीडिया कर्मी ने स्थानीय मीडिया कर्मी ने जो है सोशल मीडिया पर फेसबुक सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट डाल दी, इसको लेकर संज्ञान में लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने, और करप्शन देखने को नहीं मिला, लगातार फटकार पहुंचाई है, लगातार जो लोगों की बात करते हैं हवाले की बात करते हैं मंत्री, लेकिन अब तक कोई एक्शन देखने को नहीं मिला दीपिका। राशिद, कुल मिलाकर मंत्री के निरीक्षण के बाद सफाई को लेकर आसपास कोई बदलाव देखा नहीं जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि दरेली जो है उनका जिले नंबर है, उसके बाद जब दरेली में मंत्री जी अपनी व्यवस्था नहीं सुधार पा रहे, अपने अस्पतालों को अच्छी सुदृढ़ नहीं कर पा रहे, तो मध्य प्रदेश में क्या हाल है होगी तौर पर, ये एक तौर पर फॉर एग्जाम्पल देखा जा सकता है कि दरेली अपने गृह नगर में अगर अस्पताल या स्वास्थ्य विभाग में अपनी व्यवस्थाएं अगर नहीं है, तो हम पूरे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग और कई साफ सफाई को लेकर क्या व्यवस्थाएं होंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है दीपिका। आम लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में दीपिका? हम बहुत के लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि लगातार दौरे कर रहे हैं, मंत्री जी दौरे भी कर रहे हैं, लेकिन बाबा जी लोगों को उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि मीडिया के द्वारा हमें लगातार धक्का लगाई जा रही है, जगह जगह पर प्लेक्शन हो रहा है, उनको उनका कहता है कि बात भी चल रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अगर अपन हकीकत देखा जाए हकीकत कुछ और ही है, किसी तरह की कार्रवाई होगी देखी नहीं की अभी तक, इसके साफ तौर पर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सरकार में जो लोग हैं उनकी नहीं चल पा रही, उनके अधिकारी एक्सेप्ट नहीं रहे, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो आम आदमी की क्या बात सुनेंगे अधिकारी रितिका जी। राशिद, तो एक खबर थी रायसेन से, जहां स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल अपनी विधानसभा में लगातार एक्शन मोड में दिख रहे हैं, मंत्री कभी अस्पताल तो कभी रेत डंपर करते दिखाई दे रहे हैं, इसी दौरान वो नगर पंचायत क्षेत्र का निरीक्षण करते दिखे, बरेली में यात्री प्रतीक्षालय में बदबूजाती गंदगी देखकर मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री भड़क उठे, मंत्री पटेल ने गुस्से में कहा कि यह पूरी गंदगी इकट्ठी करवाओ और सीएमओ के कक्ष में एक हफ्ते के लिए रखवाओ, जहां मेरे गृह नगर की महिला यात्री इस स्थिति में बैठी है, इस स्थिति में सीएमओ को बैठना चाहिए। चौथी और आखिरी खबर आ रही है करेली से, जहां नगर पालिका परिषद करेली को एक बार फिर बड़ी सौगात मिली है, करेली में विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, प्रहलाद पटेल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दी गई, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नगर पालिका परिषद करेली में 13 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया, इस दौरान राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी, पूर्व राज्य मंत्री ज्वालम सिंह पटेल समेत कई दिग्गज और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए, जिस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता करेली से कृष्णकांत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णकांत, भूमि पूजन के तहत कौन कौन से विकास कार्य किए जाएंगे? जी मैम, आपको बता दूं कि करेली नगर पालिका के अंतर्गत 13 करोड़ से ज्यादा की राशि जारी की गई है जी, मुख्यमंत्री अभय संरक्षण शहरी विकास योजना के अंतर्गत यह कार्य होना है, जिसमें सीसी रोड, बीटी रोड, सड़क नाली निर्माण, टेबर ब्लॉक एवं विद्युत पोल लगाने का कार्य
किया जाएगा। एवं एक अच्छी खबर है कि करेली नगर से जो धमनी नदी बहती है उसके जीर्णोद्धार के लिए इसी राशि से 38 लाख रुपए से उसका भी जीर्णोद्धार कार्य होगा जी। इसके अलावा क्या किसी और प्रकार के विकास होने की उम्मीद है? जी आपको बता दें कि करेली नगर पालिका में इतनी राशि पहली बार आई है जिसमें विभिन्न वार्डों में 15 वार्ड है करेली शहर के, सभी वार्डों को सम्मिलित करते हुए राशि आवंटन की गई है जी। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने क्या कुछ कहा अपने संबोधन में? उन्होंने कहा है नरसिंहपुर विधानसभा के अंतर्गत करेली नगर पालिका आती है और उन्होंने कहा कि आप एस्टीमेट बनाए रुपए की कोई भी कमी नहीं आने देंगे मध्य प्रदेश शासन जी। राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी, पूर्व राज्य मंत्री ज्वालम सिंह पटेल समेत और कौन कौन से दिग्गज नेता मौजूद थे? नगर पालिका अध्यक्ष सुशीला ममाल जी, उपाध्यक्ष अनिता नेमा जी एवं पार्षदगण मौजूद थे एवं शहर के गणमान्य नागरिक लोग भी उपस्थित थे जी। विकास कार्य के भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम के आयोजन को लेकर आम लोगों का क्या कुछ कहना रहा? इतनी बड़ी राशि देखकर करेली के हर वार्ड के नागरिक खुश है एवं बहुत दिनों बाद ये कार्य हो रहे हैं करेली शहर के लिए। जो रोड खराब हो गई है उनको ऊपर से डामलीकरण किया जाएगा इसी राशि से जी। तो एक खबर थी करेली से जहां नगर पालिका परिषद करेली को एक बार फिर बड़ी सौगात मिली है। करेली में विकास कार्यों की भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रहलाद पटेल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की जिसमें करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दी गई। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। आप देखते रहिए एशियन भारत।